अब क्या चाहते हो अब ये चाहते हो कि भाई मैं वीडियो से निकल के तुम्हें पढ़ाने लग जाऊँगा बैठ के अब ये चाहते हो कि आपके माँ बाप और और ज़्यादा परेशान हों वो पहले ही कितनी परेशानियों से आपके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे आपको कोचिंग दिला रहे होंगे आपको हर वो सुविधा दे रहे होंगे जिस सुविधा के लिए शायद आप लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पाते अपने आप से वो सुविधा आपको दे रहे होंगे लेकिन फिर भी आप लोगों को एक्सटर्नल फोर्सेस की जो है वो जरूरत है आपको लगता है कोई आके धक्का दे हम तब पढ़ेंगे चलो सच बात करते हैं आज क्यों हो तुम लोग ऐसे मुझे बताओ क्यों हो क्यों तुम लोग इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो कहां गई वो इंटरेंसिक मोटिवेशन आपको मैं कह कह, कह के थक गया कि प्लीज फॉर गॉड सेख फॉर गॉड सेख भाई साहब ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको परेशान कर रहे हैं पंप कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाएं आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे छोड़ दीजिए मैं कह रहा हूं सर आप मुझे भी अनफॉलो करिए अनसब्सक्राइब करिए जाइए मत देखिए कुछ भी मत सुनिए कुछ भी और खासकर जब आपको सर पता है क्या होता है कुछ लोगों को पता है कि किस क्या बोलने पे ना आप लोग पागल हो जाएंगे आप लोग तड़प जाएंगे और उन्हीं शब्दों का उन्हीं वर्ड्स का बार बार इस्तेमाल करके वो आपको बरगलाएंगे और आप इतने मासूम हो सही बता रहा हूँ आप इतने मासूम हो कि आप चले जाते हो कुछ लोग एक्चुअली में चाहते यही हैं कि बस हंगामा होता रहे और आप लोगों को सर मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं करना आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है सिर्फ पढ़ाई करनी है कोई किसी भी सिचुएशन में हो भाई पढ़ाई करनी है और कोई रास्ता नहीं है भाई मेरे पास रोज़ बच्चों के मैसेज आते हैं एंड मैं इतना उन्हें देख के मोटिवेटेड फील करता हूँ एक स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोल रहा है सर मेरी फैमिली में सबको कोरोना है मुझे भी कोरोना हो चुका है फैमिली में सारे कोविड पॉजिटिव हैं सर सब सेल्फ क्वारंटाइन में है सब सर आइसोलेशन में है लेकिन वो बच्चा आज भी जितनी देर पढ़ सकता है वो पढ़ रहा है अब आप बताओ क्या बोलूँ मैं उसको भाई उसे मोटिवेशन की जरूरत है उसने वैसे शेयर करना चाहा कि सर आप प्लीज़ ये मेरी बात सुनिए कि देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए जब भी एग्जाम होने जैसे भी एग्जाम होने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और वो ये नहीं कह रहा कि वो दस घंटे पढ़ रहा है वो पंद्रह घंटे पढ़ रहा है वो बारह घंटे पढ़ रहा है वो सिर्फ ये कह रहा है कि सर मुझसे जितना पढ़े जा रहा है मुझसे जितना पढ़ जा रहा है मैं पढ़ रहा हूँ मैं जब मेरे को मेरे को थोड़ी सी एनर्जी फील होती है मैं पढ़ता हूं और वो लोग वो लोग जो भगवान की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हैं घर में बैठे हुए हैं सारी सुविधाएं हैं उनके पास सब कुछ है उनके पास वो नहीं पढ़ रहे यार वो वेट कर रहे हैं कोई आके धक्का देगा कोई आके पंप करेगा कोई आके मोटिवेट करेगा कोई आके बोलेगा कि पढ़ क्यों बोलेगा तुम्हें कोई आके पढ़ तुम्हारी अपनी जिंदगी है भाई और अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो जो पढ़ रहे हैं उनका फायदा है ना तो जो पढ़ने वाले हो तो तुम्हें बोलेंगे नहीं कि पढ़ क्योंकि अगर तुम भी पढ़ोगे तो उनके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ना क्या मतलब मुझे मैं मैं कभी कभी ये मेरे को समझ नहीं आता कि भाई क्यों हो तुम लोग ऐसे तुम्हें कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने को तो नहीं बोलता देख उसमें तुम्हें एंटरटेनमेंट नज़र आता है तुम्हें कोई भाई ऐसी वो मूवीज होती है ना बिना डायलॉग वाली समझ गए ना वो तो ढूंढने के लिए कोई नहीं बोलता था तुम्हें वो तो ढूंढने किसी ने नहीं सिखाई तुमने खुद ढूंढी खुद पढ़े खुद देखी उसमें तो क्या ही पढ़े होंगे तुम लोग कब तक मुझे बताओ कब तक कब तक भाई साहब यही यही चलता रहेगा कि कोई बोलेगा तब हम पढ़ेंगे तुम्हारी अपनी अंतरात्मा नहीं है तुम्हें अंदर से आवाज नहीं आती कि भाई मैं कुछ मैं कुछ करके दिखाऊं और आती है तो क्या वो हर हर दो दिन बाद फिर चली जाती है मुझे समझ नहीं आता है भाई कैसे हो तुम लोग प्लीज अपना अपने परिवार का और भाई साहब परिवार को छोड़ दो मिनट के लिए छोड़ दो परिवार को छोड़ दो माँ बाप को अरे तुमने जीवन में कुछ करना है कि नहीं करना अपने लिए कर लो यार मुझे बताओ तुमने जीवन में कुछ करना है कि नहीं करना है उल्टी सीधी बातें भाई अभी फलाना धमाका उसकी टेंशन ये होगा एग्जाम होंगे क्या अरे जो होगा वो होगा मैं कितनी बार बोल चुका हूं यार तुम्हें पढ़ाई करने से तुम्हें तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो अब भाई ये जो जो भी ये कोविड चल रहा है कोरोना चल रहा है मुझे जब बच्चों के मैसेज आते हैं और पता चलता है कि यार वो उस हालात में भी पढ़ रहे हैं तो बताओ मैं क्या बोलूं तुम लोगों को अब कौन सा बहाना लगा रहे हो तुम मुझे बताओ कौन सा और ये जीवन का मैं मेरे को आपको लग नहीं रहा है कि ये अब नॉर्मल चीज बन गई है हम सब ऐसे जी रहे हैं मुझे भी कठिनाइयां तुम्हें भी कठिनाइयां बहुत लोगों को हम सबसे ज्यादा कठिनाइयां हैं बहुत ज्यादा कब तक आड़ में छुपोगे अरे भाई इंस्टीट्यूट पेपर लेगा तो हम देंगे बात खत्म बात खत्म होगी सर लेकिन तभी तो देंगे जब हम पढ़ेंगे बिना पढ़े पेपर देने जाओगे तो बताओ क्या होगा बता दो मुझे अगर आप बिना पढ़े पेपर देने जाओगे तो क्या होगा मुझे एक बात का जवाब दे दो ना आप ट्विटर पे जाओ सर मोटिवेट कर दो यूट्यूब पे आओ सर मोटिवेट कर दो कहीं भी जाओ सर मोटिवेट कर दो ठीक है कर रहा हूं भाई मोटिवेट लो सुना तो रहा हूं तुम्हें बिठा के मैं ढंग से लेकिन इससे बात नहीं बनेगी जब तक आपकी अंतर आत्मा से आवाज नहीं आएगी ना कि भाई कुछ कर दिखाना है तब तक बात नहीं बनेगी और वो आवाज आने के बाद जानी नहीं चाहिए प्रॉब्लम यह वो आवाज आती तो है लेकिन बहुत जल्दी चली जाती है वो आवाज आने के बाद जानी नहीं चाहिए साहब कंसिस्टेंसी मेंटेन करो कंसिस्टेंसी अपने आप को ऐसा बनाओ सिस्टम बना लो भाई अपना जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक एक फुल प्रूफ सिस्टम बना लो अपना मैकेनिकल कर लो अपनी जिंदगी को सुनने में लगता है भाई सर हम तो जिंदगी जियेंगे सर जिंदगी जिए भाई ये बातें पता कब अच्छी लगती हैं जब भाई साहब आपके बैंक में ना करोड़ रुपए पड़े हो अदरवाइज बातें सिर्फ बातें होती हैं कि जिंदगी जियेंगे हम तो मस्ती करेंगे अभी हम क्यों मैकेनिकल हो जाए ये समय है भाई ये समय है आपको अपने यूथ में कुछ कर दिखाने का ये समय है भाई ये समय है अपनी जिंदगी बनाने का अगर अभी नहीं तो मुझसे आप लिखवा लो भाई कभी नहीं कभी भी नहीं गोल्डन चांसेस हैं आप लोगों के पास गोल्डन चांसेस अब आप रोना चाहते हो आप रोते रहो आप सर कुछ करके दिखाना चाहते हो आप करके दिखाओ ये सही समय चल रहा है बिल्कुल कुछ करके दिखाओ और ये जो लेथार्जी भरा जीवन आप जी रहे हो ना सुबह उठे हो होए, 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 अपने अलग अलग अंदाज है जैसे छिड़ता कोई राज है हर काम को टाला करते हैं हम सपने पाला करते हैं नहीं भाई नहीं आपको एक सिंपल सा मैं एक बात बता रहा हूँ अपना आप टाइम टेबल सेट करें सुबह उठें भाई साहब एक्सरसाइज़ एक करें मेडिटेशन करें पढ़ने बैठ जाएं पाँच घंटे का एक पूरा का पूरा स्कड्यूल निकालें पढ़ने का पूरा पाँच घंटे का उसके बाद ब्रेक लें फिर पाँच घंटे का स्कड्यूल निकालें दस घंटे अगर आप दिन में इस समय नहीं पढ़ रहे ना साहब तो मैं आपको बता दूँ आप लिखवा के घूम रहे हैं साहब आपके पेपर आ रहे हैं और आप अगर दस घंटे नहीं पढ़ रहे तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप लोग तो ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी राइट अब आपके आप पास आप इस समय कुछ भी बोलो कहीं पे भी जाके कुछ भी बोलो कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी की भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है किसी की भी हमें बस अपने आप पे फोकस करना है हमें अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल सेट पे जो है तो अपना फोकस रखना है और कहीं पे साहब और कहीं पे हम लोग जो है नहीं सोचेंगे ये बात याद रखिएगा ये बात बिल्कुल याद रखिएगा हम और कुछ नहीं सोचेंगे हमें इस समय ना वो अर्जुन बनना है जिसे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है बस लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है आपको मछली के आंख को छोड़कर सबकी आंखें नजर आ रही हैं सबकी फन चाहिए तुम लोगों को मस्ती चाहिए तुम लोगों को गॉसिप चाहिए तुम लोगों को पता नहीं भाई क्यों ये भाई इना चौल बे तो आप डिसाइड करें आज बैठें पेन पेपर लेके, लिखें साहब कि क्या चाहते हैं आप जल्दी से बताएं मुझे क्या चाहते हैं आप लिखें पेन पेपर लेके, और मुसीबतें प्लीज़ अपनी मुसीबतों को मैं मैं समझ सकता हूँ सर मुसीबतें होंगी सर लेकिन अपने मुसीबतों को आपके ऊपर है कि आप उसे एम्प्लीफाई करते हैं या आप उसे डोमिनेट करते हैं आप मुसीबतों के सर्वेंट बनते हैं या मुसीबतों के मास्टर बनते हैं ये आपके ऊपर है साहब तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए यह मुसीबतें मत बताइए मुझे मैंने सारी मुसीबतें देखी हैं देख रहा हूं और आगे देखूंगा भी और सब ने देखी है मैंने ही नहीं सब ने देखी है अगर आपको आज कोई भी व्यक्ति दिखता है ना वो शिखर पर बैठा हुआ वो तो कहीं पर भी सर वो अगर एक स्टेप भी ऊपर उठाए ना जमीन से तो भाई साहब उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है जमीन से उठने के लिए ऐसे नहीं मिल गई उसको कोई भी सफलता कोई भी सफलता चाहे वो सी एग्जाम में हो चाहे बिजनेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो तो प्लीज ये मुझे मत बताओ मुसीबत है मुझे मत बताओ दिक्कत है और बहुत दिक्कतें हैं तो पहले उन दिक्कतों से उलझो भाई उन, दिक, उन तो हम भाई उन दिक्कतों को सुलझाओ पहले अगर बहुत दिक्कतें हैं जिंदगी में जो आपकी पढ़ाई से भी इंपॉर्टेंट है तो वेरी क्लियर वेरी क्लियर है ना सर हम लोग हमारी प्रेफरेंस बिल्कुल क्लियर है ना पहले हम लोग भाई उन दिक्कतों को सुलझाएंगे उसके बाद पढ़ाई पर आएंगे बहुत सिंपल है लेकिन नहीं आपको दिक्कतों को शील्ड बनाना है आपको दिक्कतों का सहारा लेना है ये जो आपकी जिंदगी चल रही है साहब लॉकडाउन में अब समझ लो यही रहेगा अगले एक साल अगले एक साल तो मुझे लगता है यही रहने वाला है और अब आप बाहर निकल के देखें आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में बाहर निकल के देखें आपको लगता है क्या कोई डर रहा है आप कोरोना से मुझे पता है ये बीमारी बहुत घातक है लो, लोगों की बीमारी से मृत्यु भी हो रही है लेकिन आप बाहर निकल के देखें सब ने अपनी जिंदगी शुरू कर दी है साहब शुरू कर दिए सब ने अपनी जिंदगी मुझे पता है आपके घर में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके लिए सर बहुत घातक हो सकती है बीमारी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बाहर निकलें लेकिन आप अपनी नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल पढ़ाई तो शुरू करें साहब आप इस तरीके से आप मैं आपकी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा आप आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे अगर सर आज आप गिव अप कर गए आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लेते ले जाते जा रहे हो ले जाते जा रहे हो ले जाते जा रहे हो आप सिर्फ वो सुनना चाह रहे हो कि बस कोई आके बोल दे कि भाई यार पेपर लेट होने वाले हैं पेपर क्या फिर से कंफर्ट जोन में चले जाओगे अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं पेपर दो बार पहले कैंसिल हुए उसके बाद आपको कितना मौका मिला आपने पढ़ाई कर ली कंप्लीट कर लिया आपका सिलेबस अगर पहले पांच बार कंप्लीट होना था तो अब दस बार कंप्लीट होना चाहिए था भावुक आके हो भावुक होकर सोच तो लिया था तेरे भाई बोध ग्रुप देगा अपने नवंबर में कर लिए बोध ग्रुप सच सच बताना कर लिए बोध ग्रुप भाई साहब हम इंसान वो प्राणी हैं जिन्हें जितना समय दे दिया जाए हमें उतना ही कम लगेगा और आप भी मैं भी हम सब के सब ऐसे ही हैं तो प्लीज इन चीजों से बाहर आए अपने ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर रखना सीखो पॉजिटिव स्ट्रेस रखना सीखो अपने ऊपर पॉजिटिव स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस छोड़ो साहब पॉजिटिव स्ट्रेस कि यस मैंने परफॉर्म करना है यस मैंने कुछ करना है यस मैंने अपने लिए कुछ करना है उम्मीद करता हूं आपको इससे कुछ ज्ञान मिला होगा कुछ आगे बढ़ने की हिम्मत मिली होगी और नहीं मिली भाई तो प्लीज ढूंढिए उसको अपने आप अपने अंदर झांकी अपने अंदर ढूंढिए मत जाइए किसी के पास और फिर बोल रहा हूं आप लोगों को सोशल मीडिया आप लोगों के लिए पाप है आप एक महीने सोशल मीडिया बंद करके पढ़ाई करो एक महीने बाद मिलेंगे बात खत्म कर दो और तुम कौन से अंबानी के पापा हो जो तुम्हारा एक व्हाट्सएप मिस हो जाएगा तो भाई तुम्हारा करोड़ों की डील रुक जाएगी कौन से कौन से तुम्हारे ऐसे करोड़पति वाले बिजनेस चल रहे हैं नहीं सर मैं व्हाट्सएप डिलीट नहीं कर सकता अरे क्यों नहीं कर सकता भाई कहां का चौधरी है भाई तू कमाल है यार ठीक है तो ये सब भाई बहाने बनाने छोड़ो और मैं बता रहा हूँ माहौल बनाया जा रहा है फिर से आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी साजिश रच ली गई है अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस समय पे पढ़ाई करोगे या आप उस माहौल का पार्ट बनोगे चलिए इतनी सी ही चीज़ें थी जो आपको बतानी थी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए कुछ गलत लगा हो तो भाई पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी कुछ सही लगा हो तो भाई प्लीज़ अपने बड़े भाई की डांट समझ लेना या उसका प्यार समझ लेना और पढ़ने बैठ जाना थैंक यू वेरी मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेड जय हिंद और हां सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड प्लीज गो एंड स्टडी घर वालों के साथ बैठे उनका ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें जितनी हो सकती है उतनी करते रहें मैं तो बार बार बोलता हूं अगर आप उड़ नहीं सकते तो भाग अगर भाग नहीं सकता तो चल और चल नहीं सकता तो रेंग लेकिन चलता रहे आगे बढ़ता रहे लेकिन आप ओके नहीं मैं उड़ सकता हूं लेकिन मैं पढ़ा रहूंगा यहीं पर आग लगा दो अब जाके भाई साहब बिल्कुल बता रहा हूं आग लगा दो ऐसी पढ़ाई करना ऐसी मोटिवेशन के साथ जाना कि भाई सब अगले एक दो हफ्ते तक ऐसा आउटपुट निकले कोई रोक ना पाए